फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं टाई जो को, जो कि हद से ज्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है। उसे हर चीज परफेक्शन से करना पसंद है, जैसे कि हर सुबह सिर्फ 135 कैलोरीज का नाश्ता करना, अपने घर में हर चीज को उसकी सही जगह पर रखना, यहाँ तक कि वो अपने सूट पर लगे छोटे छोटे रोए भी उतारता है। उसका परफेक्शन के लिए जुनून एक बीमारी बन चुका था, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इस डिसिप्लिन लाइफस्टाइल ने उसे जिंदगी में आगे बढ़ने में बहुत मदद की है, खासकर उसकी नौकरी में। वो साउथ कोरिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी NIS में एक एजेंट है। इस सब के साथ साथ उसे किसी भी तरह के जानवरों से खास नफरत है। एक दिन जब वो लिफ्ट में एक आदमी और उसके कुत्ते के साथ था, तो उस कुत्ते ने टाईजो के मुंह पे मूत दिया और माफी मांगते हुए उसके मालिक ने पेशाब उसके पूरे मुंह पे फैला दिया। ऑफिस जाकर उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ जब उसके कोलीग्स ने उसे एडवांस में प्रमोशन की बधाई दी। इसके बाद सभी को एक जरूरी मीटिंग के लिए बुलाया गया, जिसमें पता चला कि चाइना से एक VIP आने वाला है और उन लोगों को उसकी सुरक्षा का बंदोबस्त करना होगा। ये इवेंट चाइना और कोरिया के बीच 25 साल के अच्छे संबंधों की खुशी मनाने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, और इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पता चलता है कि वो VIP कोई इंसान नहीं बल्कि मिंग मिंग नाम की एक पैंडा है। जानवरों से नफरत होने के बावजूद टाईजो इस काम के लिए वॉलंटियर करता है ताकि उसकी प्रमोशन पक्की हो जाए। इवेंट वाले दिन टाईजो ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। कई मिलिट्री डॉग्स को भी बुलाया गया था ताकि इवेंट में किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो। टाईजो अपने जूनियर एजेंट क्रोनी से मिला, जो अभी अभी न्यूजीलैंड से लौटा था। उसे इम्प्रेस करने के लिए क्रोनी ने टाईजो को एक पेन दिखाया, जो 100 मील के दायरे में थोड़ी देर के लिए सभी बिजली उपकरणों को बंद कर सकता है। क्रोनी वैसे बुरा आदमी नहीं था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो हर जगह कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देता था। इसलिए टाईजो ने उससे वो पेन ले लिया और ढंग से अपनी ही जगह पर रहने को कहा। थोड़ी देर बाद प्रोग्राम शुरू हुआ और मिंग मिंग स्टेज पर आई। उसे देखकर सब बहुत खुश हुए और उसकी तस्वीरें लेने लगे, लेकिन तभी कुछ गुंडों ने वहां हमला कर दिया। वो अपने साथ स्मोक बॉम्ब्स लेकर आए थे। उन्होंने वो स्मोक बॉम्ब स्टेज पर फेंके, जिससे वहां हड़बड़ी मच गई। मिंग मिंग भी डरकर वहां से भाग ली। क्रोनी ने ये सब देखा और एक गोल्फ कार्ट में बैठकर उसका पीछा करने लगा। टाईजो भी उसके पीछे ही था, लेकिन तभी उन गुंडों ने मिंग मिंग को बेहोशी की गोलियां मारकर गाड़ी में बैठा लिया। टाईजो ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गुंडों ने उसके पास एक स्मोक बॉम्ब फेंका और उसे चकमा देकर वहां से निकल गए। इससे पहले कि वो उनका पीछा करता, क्रोनी ने अपने गोल्फ कार्ट से उसे टक्कर मार दी। गिरने पर उसका सर जोर से रोड पर लगा। बेहोश होने से पहले उसने एक मिलिट्री डॉग को अपनी तरफ आते हुए देखा। कुत्ते ने उससे पूछा, अभी इमरजेंसी के टाइम पे सो रहा है? सारा डिपार्टमेंट हम कुत्तों की वजह से चल रहा तुम्हारा। जब टाईजो को होश आया तो उसने अपने आप को एक गले का पट्टा पहने अपने घर में पाया। उसे पता चला कि NIS ने स्टेटमेंट दी थी कि कल वाला इवेंट एक ट्रेनिंग थी, ताकि असली इवेंट के दौरान ऐसा कुछ ना हो, लेकिन ये सिर्फ मीडिया से मिंग मिंग के अगवा हो जाने की खबर को छुपाने का एक तरीका था। टाईजो अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकला, लेकिन लिफ्ट में उसे फिर से वही कुत्ता मिला जिसने उसके मुंह पे मूता था। लेकिन आज उसे कुत्ते की बातें समझ में आ रही थी। वो कुत्ता खुद से बात कर रहा था कि आज फिर से मौका मिल जाए तो मजा आ जाए, इसी के मुंह पे हल्का हो जाऊं। वो जल्दी से एक दुकान पर गया और बढ़िया खाना और कुछ दवाइयां ली, ये सोचकर कि शायद वो बीमार हो गया है। लेकिन उसके होश तो तब उड़े जब वहाँ पालतू जानवरों के सेक्शन में एक चूहे ने उसे खुद को खरीदने के लिए कहा, और उसके साथ वाले कंटेनर में बैठा है जॉग तो कहने लगा कि इसे छोड़ के मुझे ले चलो अंकल, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मेरे पे 500 रुपया ऑफ भी है। टाईजो जल्दी से वहां से भाग गया। ऑफिस में पहुंच कर उसने फिश टैंक में तैर रही मछलियों को उस पर हंसते हुए सुना। कल तक तो प्रमोशन के सपने देख रहा था, आज नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा। ओ बिरे सानू की। तैरो तैरो अपना तैरो। टाईजो ने चौंक कर अपने बॉस से पूछा कि क्या उसे नौकरी से हटाया जा रहा है, जिसने जवाब दिया कि वो उनके सबसे अच्छे एजेंट्स में से एक है, वो भला उसे क्यों हटाएंगे। लेकिन जब मछलियां चुप होने का नाम ही नहीं लेती, तो टाईजो जोर से उन पर चिल्लाया। सब उसकी तरफ असमंजस में देखने लगे। उसने अपनी डायरेक्टर को बताया कि वो जानवरों की बात सुन सकता है। डायरेक्टर को लगा कि उसके सर पर लगी चोट ने कुछ गहरा असर किया है और उसे कुछ दिन आराम करने को कहा। ऑफिस से टाईजो सीधा जू में गया, जहां नकली पांडा को रखा गया था। ये पांडा कोई और नहीं बल्कि क्रोनी था, जिसे कॉस्ट्यूम पहनाकर वहां छोड़ दिया गया था ताकि किसी को शक ना हो। जब टाईजो और क्रोनी कुछ बातचीत कर रहे थे, तो क्रोनी ने गलती से अपनी कॉस्ट्यूम में ही आग लगा ली, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। जब टाईजो घर लौट रहा था, तो उसे एक फीमेल गोरिल्ला ने अपने पास बुलाकर कहा कि वो जानती है कि VIP पांडा कहाँ मिलेगा, और एक मैगजीन के बदले उसे वो ये जानकारी दे देगी। टाईजो उसे नेशनल ज्योग्राफी की मैगजीन देता है, जिसमें वो सेक्सी गोरिल्लाओं की तस्वीरें निहारती है। फिर उसने टाईजो को नाम के एक कुत्ते के बारे में बताया, जिसे किडनैपर्स की सुगंध याद है। अगर उसने ढूंढ लिया तो वो उसे मिंग मिंग को अगवा करने वालों तक ले जा सकता है।
उस रात वो एक खाली पड़े घर में गया जहाँ कुछ जानवरों को अपने वीरता के किस्से सुना रहा था कि कैसे उसने सर्बिया में कई सिपाहियों की जान बचाई थी। टाइजू को देखकर उन्होंने उस पर हमला कर दिया, लेकिन उसने उनके सामने खाना फेंक कर उनका ध्यान भटकाया और लेकर भाग गया। घर जाते समय टाइजू ने ऐसे किडनैपर्स के बारे में पूछा, लेकिन इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए कहा कि खाली पेट याद सा नहीं आता कुछ। वो टाइजू के घर पर आए जहाँ ने मस्त भागना शुरू कर दिया, जबकि टाइजू उसके पीछे पीछे उसके पंजों के निशान मिटाता फिर रहा था। अगली सुबह जब टाइजू ने अपने घर में पहली बार गंद मचा हुआ देखा तो वो इसके लिए डांटने लगा, लेकिन तभी वहाँ उसकी बेटी सियो यान अपनी दो दोस्तों के साथ पहुंची। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद सियो यान और टाइजू के रिश्ते में काफी तनाव आ गया था। उसकी खतरनाक नौकरी की वजह से वो दोनों साथ भी नहीं रहते। आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और टाइजू ने उसे एक अच्छी पार्टी देने का वादा किया था, लेकिन घर में गंद मचा देखकर वो समझ गई कि उसके पिता उसका जन्मदिन भूल गए थे। पर जैसे ही उसने को देखा वो खुश हो गई कि चलो पापा में थोड़ा बदलाव तो आया। टाइजू उसे सच्चाई बताकर दुखी नहीं करना चाहता था तो वो चुप रहा। इसके बाद वो एक पार्क में गए जहाँ पूरा दिन सियो यान के साथ खेली। शाम को उसके जाने के बाद पास में हो रही आतिशबाजियां को उस समय की याद दिलाती हैं जब वो सर्बिया में था, जिसके बाद वो थोड़ा उदास हो गया। जब टाइजू ने उससे इस बारे में पूछा तो उसे बताया कि उसे सर्बिया में उसकी मालकिन को मारने वाले इंसान की सुगंध अच्छे से याद है और ये वही आदमी है जिसने उस VIP पैंडा को अगवा किया है। उसने उस समय को याद किया जब वो अपनी मालकिन सोही के साथ एक बम का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक दूर खड़े आदमी ने उसे डेटोनेट कर दिया। इस धमाके में सोही की मौत हो गई। उसने उस आदमी पर हमला किया लेकिन उसे रोक नहीं पाया, पर उसे ये जरूर पता चला कि उस आदमी की एक टांग नकली है। और फिर जिस दिन वो किडनैपर्स मिंगमिंग को अगवा करने आए तो उसे वही सुगंध फिर से आई। कुत्ते की दुख भरी कहानी सुनकर टाइजू को उसके लिए बहुत बुरा महसूस हुआ और उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ खेलने लगा। उधर मिंगमिंग बैम्बू के अलावा कुछ भी खाने से मना कर देती है, जिसके बाद वो किडनैपर्स उसके लिए एक फार्म से बैम्बू लेकर आए। अगले दिन सूंघता हुआ टाइजू को उसी बैम्बू फार्म में ले गया। उन्होंने उस फार्म के मालिक की पालतू बकरी से किडनैपर्स के बारे में पूछा, जिससे उन्हें किडनैपर्स की गाड़ी का पता चला। थोड़ी और छानबीन के बाद उन्हें एक बायोटेक कंपनी के फाउंडर मैनसीक पर शक हुआ। उसकी तस्वीर देखते ही ने उसे पहचान लिया और कहने लगा कि यही मिंगमिंग का किडनैपर है। वो उसकी कंपनी के हेडक्वार्टर्स में गए और पता लगाया कि वो जल्द ही एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, जिसमें वो एक पैंडा के जीन्स का इस्तेमाल करके एक नई स्पीशीज का इजाद करना चाहते हैं, जिसे इंसान पालतू जानवरों की तरह अपने पास रख सके, और इसी वजह से उसने मिंगमिंग को अगवा करवाया होगा। टाइजू ने मैनसीक और उसके बॉडीगार्ड्स पर हमला किया और उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गया, लेकिन गलती से वो पीछे ही छोड़ाया। NIS की डायरेक्टर ने टाइजू से पूछा कि वो किस बिना पर मैनसीक को गिरफ्तार करके यहाँ लाया है, पर वो कैसे बताता कि ये सब एक कुत्ते ने उसे बताया था। उनकी छानबीन में पता चला कि किडनैपिंग के समय मैनसीक कोरिया में था ही नहीं, और बिना सबूत के एक आदमी पर हमला करके उसे गिरफ्तार करने के लिए टाइजू को उसकी नौकरी से हटा दिया गया। NSI हेडक्वार्टर से छूटते ही मैनसीक सीधा उन लोगों के पास गया जिन्हें उसने मिंगमिंग को अगवा करने की सुपारी दी थी। हमें पता चला कि दिमित्री नाम के एक आतंकवादी ने मिंगमिंग को किडनैप किया था। तो धोखा इसलिए लगा क्योंकि दिमित्री ने अपने चेहरे पर मैनसीक का एक हाईटेक मुखौटा पहना था। उस पैंडा को अगवा करने के बदले उसने मैनसीक से ऐसे कैप्सूल बनवाए थे जिन्हें अगर किसी को खिला दिया जाए तो एक रिमोट का इस्तेमाल करके दूर से ही धमाका किया जा सकता है। जो मैनसीक का पीछा करते हुए वहां पहुंचा था उनकी बातें सुनकर सारी सच्चाई समझ गया। उसने मिंगमिंग के पास जाकर उसे दिलासा दिया कि कोई नहीं चाची, आएंगे तुझे बचाने। इसके बाद वो भागता हुआ टाइजू के घर गया और घंटी बजाकर दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन टाइजू को अब उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था क्योंकि की वजह से ही उसकी नौकरी गई थी। मिलिट्री वाले वहां से ले गए और ये तय हुआ कि ऑर्डर्स फॉलो ना करने की वजह से उसे मार दिया जाएगा। जब सियो यान से मिलने वापस आई तो उसे पता चला कि टाइजू ने उसे छोड़ दिया है। अपनी बेटी को दुखी देखकर टाइजू ने उसको बचाने का फैसला लिया। वो मिलिट्री के डॉग शेल्टर में गया और उसकी जान बचाई। टाइजू को उस गोदाम में लेकर गया जहां किडनैपर्स ने मिंगमिंग को रखा था। उन्हें वहां क्रोनी भी मिला जो जॉगिंग करते हुए रास्ता भटक गया था। टाइजू जानता था कि इसको अंदर ले गए तो मरे, इसलिए उसने सख्ती से उसे बाहर ही रहने को कहा। तो टाइजू चुपचाप गोदाम में दाखिल हुए। टाइजू ने एक इलेक्ट्रिक गन से बहुत सारे आतंकवादियों को ढेर कर दिया। दिमित्री और उसके बीच में लड़ाई शुरू हुई। दिमित्री उसे मारने ही वाला था लेकिन ऐन मौके पर वहां आकर उसकी जान बचाई। वो मिंगमिंग को लेकर वहां से जल्दी से भागे। पहाड़ी पर चढ़कर उन्होंने वहां रखे बैरल्स को उनका पीछा कर रहे आतंकियों की तरफ उड़ेल दिया। एक बैरल के साथ क्रोनी भी नीचे चला गया। वो तीनों सारी रात भागते हुए एक हाईवे पर पहुंचे। मौका देखकर वो एक बस में चढ़े जहां टाइजू ऐसा दिखाता है कि मिंगमिंग एक इंसान है जिसने कॉस्ट्यूम पहनी हुई है।
उधर गोदाम में मैंसी कुछ पैंडा के गायब हो जाने की वजह से आग बबूला हो रहा था। लेकिन जब उसने दिमित्री के साथ बेइज्जती से बात की तो आतंकियों ने उसे जबरदस्ती वो विस्फोटक कैप्सूल खिलाकर एक कमरे में बंद कर दिया। दरअसल दिमित्री का असली प्लान ये था कि वो मिंगमिंग को एक कैप्सूल खिलाकर वापस भेज देगा, क्योंकि जल्द ही वो पैंडा एक ऐसे इवेंट में जाने वाली थी जहां चाइना और कोरिया के बड़े बड़े लीडर्स भी मौजूद होंगे और वो उस कैप्सूल का इस्तेमाल करके उन्हें मारना चाहता था। आतंकियों के बाहर आ जाने के बाद गोदाम में एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसका मतलब ये था कि वो कैप्सूल जो उन्होंने मैनसिक को खिलाया था फट गया। टाइजू ने NIS की डायरेक्टर को अपने घर बुलाकर मिंगमिंग से मिलवाया। उसके घर में वो सारे जानवर मौजूद थे जिनसे उसने अब तक बात की थी। वो मिंगमिंग को सही सलामत गाड़ी में बैठाकर इवेंट में ले गए। वो एक अजीब सी स्मेल आती है, वो उसे सूंघते हुए जा रहा था कि अचानक से दिमित्री के लोग आए और उसे उठाकर ले गए। टाइजू ने उन्हें देख लिया लेकिन रोक नहीं पाया। उसने घर जाकर तोते से को ढूंढने के लिए कहा। दिमित्री जबरदस्त सभी मिलिट्री डॉग्स को वो विस्फोटक कैप्सूल खिला देता है, क्योंकि वो भी उस इवेंट में मौजूद होंगे, तो दिमित्री अब उन सबको बम की तरह इस्तेमाल करेगा। प्रोग्राम शुरू हुआ और दोनों देशों के लीडर से एक दूसरे से मिले, लेकिन जब मिंगमिंग परफॉर्म करने स्टेज पर आई तो दिमित्री ने अपने फोन से काउंटडाउन शुरू कर दिया। कुत्तों को छोड़ दिया गया, जिससे लोगों में हड़बड़ी मच गई। बाहर से दरवाजे बंद होने की वजह से वो सब अंदर ही कैद हो गए। कैप्सूल्स के फटने से कुछ देर पहले टाइजू क्रोनी के पास गया और उसके पेन के बटन को दबा दिया, जिसने वहां मौजूद सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को बंद कर दिया। सभी कैप्सूल्स कुत्तों के पेट में ही डिफ्यूज हो गए। दिमित्री वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन अब उसका पीछा किया। इस लड़ाई में पूरी तरह घायल हो गया। दिमित्री उसे मारने ही वाला था कि टाइजू बीच में कूद पड़ा। गोली टाइजू को लगी। अगले दिन जब वो अस्पताल में उठा तो उसे पता चला कि जानवरों के अस्पताल में है। वो उससे मिलने गया लेकिन पहले ही मर चुका था। दोनों बाप बेटी लिपट कर रोने लगे, लेकिन डॉक्टर ने आकर बताया कि वो बस सो रहा है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि अपनी वीरता के लिए को NIS की डायरेक्टर एक मेडल से सम्मानित करती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।